हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 की शुरुआत हमें सितंबर में देखने को मिलने वाली है और उसी के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर हमारे सामने लगातार आ रही हैं, जिसको मैं चैनल के ऊपर आपको लगातार बताते रहता हूं। और ऐसी ही एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि 10 बड़े विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2020 में हो सकता है कि हमें आईपीएल के पहले या फिर आईपीएल के कुछ बाद के मैचेस को मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। ये बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड ओवर्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन से ऐसे 10 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल 2020 के इनिशियल फेजेस को या फिर लास्ट फेजेस को पूरी तरीके से मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी है बिल्कुल लास्ट तक। और उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम सबको ये बात पता चल चुकी है कि 19 सितंबर से हमें आईपीएल की शुरुआत होते हुए देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी सीरीज हैं जो कि आईपीएल के साथ क्लैश कर रही हैं। सबसे पहली सीरीज जो निकलकर सामने आती है, जो कि आईपीएल का रास्ता रोक सकती है, वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लिमिटेड ओवर्स की सीरीज, जो कि लॉकडाउन से पहले होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस सीरीज को रोक दिया गया था। तो गाइज, अब इसको रिशेड्यूल किया गया है 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में। और ऐसे में 16 सितंबर को अगर ये सीरीज खत्म होती है, तो अगर प्लेयर्स उसी दिन यूएई के लिए निकल भी जाते हैं, अगर वो फ्लाइट पर बैठ भी जाते हैं, तो भी उनको टेस्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही बीसीसीआई के हिसाब से 7 से लेकर 14 दिन के लिए उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, फिर उनको एनओसी भी चाहिए होगा अपने क्रिकेट बोर्ड का। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगने की पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ ही दूसरी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका से, जहां पर नेशन वाइड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। और उसके साथ ही वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और ये भी फिक्स नहीं है कि क्या प्लेयर्स यहां पर आ भी पाएंगे आईपीएल फिलहाल खेलने के लिए या फिर नहीं। तो इन 10 प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की, और जो दो बड़े प्लेयर्स आईपीएल 2020 के हमें मैचेस को मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है एबी डिविलियर्स का, और दूसरा नाम निकल कर आ रहा है कगिसो रबाडा का। ये दो बड़े प्लेयर्स हमें यहां पर आईपीएल 2020 को मिस करते हुए नजर आ सकते, क्योंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा हाई चल रही हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की उस सीरीज की वजह से डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल, ये हमें आईपीएल का इनिशियल पार्ट मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 7 से 14 दिन अगर आप लोग लगा रहे हो, तो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के आसपास तक जितने भी मैचेस होंगे, उसमें ये लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स की, तो उनके सामने भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो इंग्लैंड की साइड से जो 4 प्लेयर्स रहते हैं, वो हैं जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, ओयन मॉर्गन और उनके साथ ही जोफ्रा आर्चर। तो कुल मिलाकर ये 10 बहुत ही बड़े प्लेयर्स, जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आईपीएल 2020 में, ये हमें आईपीएल के इनिशियल फेजेस में या फिर आईपीएल के बाद वाले फेजेस में भी बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारे प्लेयर्स के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा फर्क डाल सकते हैं अगर ये लोग नहीं खेलते हैं अपनी अपनी टीम से? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।